साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लेकर खूब चर्चा में छाए हुए हैं। इस फिल्म का पोस्टर और टीजर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में लॉन्च किया गया था। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के साथ साथ फिल्म मेकर को भी ढेर सारी उम्मीदें थी, मगर जिस तरह से आदि पुरुष की टीजर को दर्शकों द्वारा रिस्पॉन्स मिला वो किसी भी फिल्म मेकर का दिल तोड़ सकता है। बता दें कि प्रभास की आदि पुरुष 500 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई फिल्म है। ऐसे में इस फिल्म के टीजर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर आदि पुरुष की खूब आलोचना हुई थी। फैंस ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि प्रभास की फिल्म आदि पुरुष पर इतने पैसे खर्च करके मेकर्स ने इसे एनिमेशन फिल्म बना दी है। यही नहीं बल्कि कई लोगों ने इस फिल्म को सबसे महंगा कार्टून तक कह दिया था। लेकिन हम आपको बता दें कि साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। खबरों के मुताबिक बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभास की फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट टल गई है। ये फिल्म 12 नवंबर 2023 को मकर संक्रांति के खास मौके पर रिलीज होने वाली थी, मगर अब खबर सामने आ रही है कि ये फिल्म अगले साल गर्मियों में रिलीज होने वाली है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, मगर सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर खबरें तेज है कि ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है। अब आदि पुरुष की रिलीज डेट टलने को लेकर कहा जा रहा है कि मेकर्स अब इस फिल्म के VFX पर दोबारा काम करेंगे और एक बेहतर प्रोडक्ट के साथ गर्मियों में दर्शकों के सामने हाजिर होंगे। इस फिल्म में प्रभास के अलावा कृति सेनन और सैफ अली खान भी मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? प्रभास की फिल्म आदि पुरुष को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।